नमस्कार। पल पल आगे बढ़ती जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हमें हर पल कुछ नया देखने और सीखने का अवसर देती है। हम सबके जीवन में ढेर सारे रंग होते हैं। जब हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है तो हंसी और खुशी के रंग, लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो गम और उदासी के रंग। तमाम चुनौतियों को पार करके पल पल आगे बढ़ते रहना ही जीवन का फलसफा है। हमारी कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, और खुश रहने के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखकर दूरदर्शन लेकर आता है सोमवार से शुक्रवार तक गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को पसंद होता है, और मुस्कुराते हुए चेहरे पे चार चांद लगाते हैं चमचमाते दांत। लेकिन कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा जो मुस्कुराने के दौरान अपने दांतों को छिपाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दांतों में कोई ना कोई परेशानी होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्या पर, और हमारा फोकस डेंटल ट्रॉमा पर रहेगा। इस पर चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले आइए हम उनका परिचय आपसे करा दें। तो मेरी सबसे बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर नवीन मिश्रा। आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिहार की राजधानी पटना में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके ठीक बगल में है डॉक्टर ज्ञानेंद्र। डॉक्टर ज्ञानेंद्र आप मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उनके बगल में है डॉक्टर नितेश जो एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर नितेश, सबसे पहले अगर डेंटल ट्रॉमा की बात शुरू करते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंटल ट्रॉमा होता क्या है? देखिए, डेंटल ट्रॉमा को समझ सकते हैं कि दांत में लगने वाली चोटें। दांत के लगने वाली चोटें जो होती हैं वो कई प्रकार से लगती हैं। कई बार शरीर में जो चोटें लग रही होती हैं उसके साथ में लगी होती हैं, कई बार मुख या फिर मुँह की हड्डियों में जो चोटें लगती हैं एक्सीडेंट के दौरान, स्पोर्ट्स इंजरीज में, खेल कूद में, तो उसके साथ में लगती हैं। कई बार दांत में चोटें अकेली भी लगती हैं, या ये छोटी उम्र में भी होती है, बड़े लोगों में भी होती है, परमानेंट दांतों में भी होती है। तो ये डेंटल ट्रॉमा एक बहुत ही गंभीर विषय अब उभर के आया है, और जो मेडिकल जर्नल्स होती हैं उनमें जो सबसे अच्छी जर्नल होती है वो भी बोलती है कि दुनिया की सबसे पांच जो मुख्य बीमारियाँ हैं जो कि जिनमें की तवज्जो देनी चाहिए, उनमें से डेंटल ट्रॉमा एक है। तो ये एक बहुत ही गंभीर चीज़ है जिसको आगे हमें जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेंटल ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि चोट लगने के टाइम पे अगर जो नॉर्मल पब्लिक है उसको अगर अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि क्या करना है और चोट लगने के बाद क्या करना है या किसके पास जाना है, किस डेंटिस्ट के पास जाना है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बचाई जा सकती हैं, सही की जा सकती हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं, आप वहाँ डेंटल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंटल ट्रॉमा को क्या इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहना ठीक होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ये डेंटल ट्रॉमा एक इंडिविजुअल कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि दांतों में जब भी चोट लगता है तो दांतों में या तो दांत पूरा निकल जाता है या दांत आधा टूटता है, और उसको बचाने के लिए हम नज़दीकी जो भी डेंटिस्ट होंगे उसके पास जाएंगे, और उसके बहुत सारे तरीके हैं कि दांतों को कब बचाया जाए, कब डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। तो सबसे पहले जो है ये देखा जाए कि जब भी चोट लगे तो उसकी ग्रेविटी देखें कि कितना है, दांत आधा टूट गया है तो जो फ्रेगमेंट आपका टूटा हुआ है उसको भी साथ में डेंटिस्ट के पास ले जाएं। अब नई पद्धतियां आ गई हैं जो उस फ्रेगमेंट को भी रीअटैच कर देते हैं, ठीक है, वो फ्रेगमेंट रीअटैचमेंट कहलाता है, या पूरा का पूरा दांत ही निकल जाता है जब, तो फिर उसको हम कैसे ले जाएं? इसका भी एक तरीका होता है कि जब भी दांत निकल जाए तो उसको दूध में या अपने ही मुँह के अंदर रख के किसी निकटतम दंत चिकित्सक जो एजुकेटेड है, जो इस चीज़ में माहिर है, उसके पास ले जाएं और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कराएं। डॉक्टर नवीन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंटल ट्रॉमा की अगर हम जब बात करते हैं तो डेंटल ट्रॉमा कितने प्रकार का होता है? डेंटल ट्रॉमा दो प्रकार का मुख्यतः होता है। अगर दांत में चोट लगता है तो दांत में भी जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं वो, जैसे दांत का स्ट्रक्चर इनामल डेंटिन पल्प और रूट क्राउन और रूट पोर्शन बना रहता है, तो उसमें जो चोटें आएंगी वो एक अलग ट्रॉमा होगा। दूसरा, जो दांत का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग पेरिडोन्शियम बोलते हैं, और उसके साथ जो हड्डी जुड़ी रहती है उसको जबड़े की हड्डी बोलते हैं, तो इसमें वो चोट लगने से ये दोनों चोटिल हो जाते हैं। तो दांत का एक ट्रॉमा हो गया, और उसके बाद दांत का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उसका चोट लगने से जो ट्रॉमा होता है ये उसको कैटेगराइज करते हैं, और इन लोगों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। अगर डेंटल ट्रॉमा को डिफाइन करते हैं ट्रीटमेंट वाइज दांत के स्ट्रक्चर से और दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से।
डॉक्टर नितेश, दोबारा आप पर आते हैं। डेंटल ट्रॉमा, जैसा कि दर्शक जो हमारे घर पे देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये दंत आघात है, जिसे साधारण भाषा में हम दांतों में लगने वाली चोट भी कह सकते हैं। डेंटल ट्रॉमा में दांत के साथ साथ शरीर के किन अंगों पर और प्रभाव पड़ता है? देखिए, क्या होता है भारत में कि डेंटल ट्रॉमा तुरंत नहीं रिपोर्ट किया जाता है, जो कि काफ़ी अलग है US में या फिर जो पश्चिमी देश हैं उनसे। वहाँ पे जब चोट लगती है तो आधे घंटे में, 10 मिनट में इमरजेंसी केयर तक बच्चे या फिर जो बड़े जिनके चोट लगी वो पहुँच जाते हैं। पर भारत में क्या होता है कि जो हमारी OPD में जो दिखता है कि वो 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल कई बार 10 साल के बाद आते हैं, और उन 10 साल में शरीर उसको बहुत ही निगेटिव तरीके से ले चुका होता है। जो एक छोटी सी चोट, जो कि शुरुआत में केवल बस दांत का आकार सही करने से ठीक की जा सकती है, वो एक सिस्ट या रसौली के रूप ले चुकी होती है, जो कि पूरा मैक्सिला या ऊपर के जबड़े की हड्डी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुकी होती है, नुकसान पहुँचा चुकी होती है, मवाद बन रहा होता है, मसूड़े सड़ गए होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बच्चा है, जो कि जिसको कि हम आराम से बचा सकते थे, वो उसको उस दांत में या उसकी हड्डी के की सर्जरी तक करानी पड़ जाती है। वैसे अगर ये चोटें, अगर मान लीजिए खेल कूद के दौरान लग रही है, अगर थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाए, मुख में लगाने वाले माउथ गार्ड्स होते हैं, कुछ प्रिवेंशन के और तरीके हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो वो अगर फॉलो किए जाएँ तो इनको शुरुआत से ही बचाया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के समय में। चलिए, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम गुड इवनिंग इंडिया में बात कर रहे हैं दांतों में लगने वाली चोट यानी डेंटल ट्रॉमा की। अगर आप घर पे बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके भी जहन में कोई सवाल है, दांतों से जुड़ी समस्या है आपको, या फिर किसी रिश्तेदार को दांतों से जुड़ी कोई समस्या है और आप हमारे स्टूडियो में बैठे 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2309-7524। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना नहीं भूले। आप हमें फोन कर सकते हैं और सीधे आपके सवालों का जवाब हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ देंगे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, अगर जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर शुरुआती दौर में प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाए तो समस्या का निराकरण जल्दी हो सकता है, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि जो लोग पेशेंट जितना देर आते हैं उनको कितना डिफिकल्ट होता है? एक्चुअली देखा जाए तो डेंटल ट्रामा दुनिया का ही नहीं, भारत का ही नहीं, दुनिया का भी बहुत सीरियस लेने वाली बीमारी हो गई एक तरह से देखा जाए तो। आमतौर पर जब हमारे OPD में ऐसे मरीज आते हैं जो कई दिनों से उनके डेंटल ट्रामा होता है और डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास नहीं विजिट किए होते हैं, तो वो सिर्फ टूटा हुआ दांत ही नहीं ले आते हैं बल्कि उससे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें भी इन्फेक्शंस होते हैं। मान लीजिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पस का डिस्चार्ज होना, ठीक है, या उससे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसका फिर इलाज करना पड़ता है। अगर वो शुरू में आ जाते तो हो सकता है हम जो है सिर्फ दांत, जो टूटा हुआ दांत है उसको हम जोड़ के उसको सही कर सकते थे, लेकिन चूंकि देरी की वजह से आते हैं तो उसके एसोसिएट स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो चुके होते हैं, तो उसका इलाज करने में डिफ़िकल्टीज होती है, कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है, कभी रूट कैनाल से भी सही हो जाता है, फिर उस पर कैपिंग लगाते हैं। तो हम तो सभी से ये बोलेंगे जब भी आपके डेंटल ट्रामा हो, आपका दांत टूटे, जल्द से जल्द, जितनी जल्द से जल्द पहुंच सकें अपने निकटतम डेंटिस्ट के पास या आसपास जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास पहुंचें और इसका निराकरण करें। डॉक्टर नवीन, अब एक सवाल और जहन में आता है कि डेंटल ट्रामा क्या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, या किस एज ग्रुप में ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है? डेंटल ट्रामा पर्टिकुलर एज ग्रुप्स चाइल्ड्स में देखते हैं, 6 आमूमन देखते हैं कि 6 वर्ष से लेके 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते हैं, उसके कारण से एक ट्रॉमेटिक इंजरीज हो सकती हैं। सेकेंडली, डेंटल ट्रॉमा वयस्क में भी हो सकते हैं, बूढ़े में भी होते हैं, जैसे जैसे 60 ईयर्स के बाद जाते हैं जिनके दांत मजबूत हैं वो हाइपरटेंसिव हैं, कहीं चक्कर खा के गिर गए तो फिर दांत से चोट लग गई, तो उससे भी रिलेटेड डेंटल ट्रॉमा इंजरीज हैं। बट कॉमनली हम लोग ये स्पोर्ट इंजरीज में देखते हैं या रोड एक्सीडेंट्स में दिखते हैं, तो इट कैन, वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली हम लोग बच्चे में ज़्यादा देखते हैं। डॉक्टर नितेश, जैसा कि कह रहे हैं कि बच्चों में ये समस्या ज़्यादा होती है, तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे खेल के मैदान में खेलते भी हैं और बच्चे तो उछल कूद भी मचाते हैं, तो डेंटल ट्रॉमा से बचने के लिए क्या कोई खास प्रिकॉशन है कि जब वो स्पोर्ट्स में जाएं तब वो ये एहतियात बरते, या फिर स्पोर्ट्स टीचर जो उनको स्पोर्ट्स में खिलाने ले जाते हैं मैदान पर, उनके लिए कोई? देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि जब कभी आप भी जो स्कूल में रहे होंगे, क्रिकेट खेला होगा या फिर और भी स्पोर्ट्स खेले होंगे, आज तक कभी आपको ये नहीं बोला गया होगा कि मुँह में कुछ पहनना है
या कई बार हेलमेट्स हमारे पास होते नहीं हैं, गार्ड्स हमारे पास नहीं होते हैं। जबकि अगर आप देखें कि वेस्टर्न परिवेश में कि वहाँ पे मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको जैसे जो टूथब्रश मिलता है या फिर आपको और सामान मिलता है, उसी तरह से माउथ गार्ड भी बाज़ार में मिल रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि जैसे जूडो हो गया, कराटे हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जिनमें कि चोट लगने की प्रबल संभावनाएं हैं, ऐसे में तो माउथ गार्ड पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे स्पोर्ट्स जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, उसमें अगर हेलमेट पहन लें तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और दांत की चोटों से बचा जा सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़रूर से मतलब स्कूल के टीचर्स को, स्पोर्ट्स कोचेस को जागरूक होना चाहिए और उनको ये चीज़ मुहैया कराई जानी चाहिए। उनको पता हो कि अगर माउथ गार्ड है तो माउथ गार्ड कहाँ से मिले, माउथ गार्ड हम अगर लिख के दे देंगे तो अगर उनको पता ही नहीं कहाँ से बनना है तो कैसे हो पाएगा। और आजकल डेंटिस्ट जो हैं वो इसको बनाने में सक्षम है और डेंटल ट्रॉमा को प्रिवेंशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नितेश, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। अच्छा, अब तकनीक के कारण ये फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया है। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं कि कई बार हमें बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं कि खेल के मैदान में हमें कुछ प्रिकॉशन मुंह के में रखना होता है, जबकि हॉकी के बड़े मैचों में देखते हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो टिथ गार्ड लगाकर खेलते हैं। और ऐसी कौन कौन सी छोटी बातें हैं जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में फॉलो करनी चाहिए जिससे हम डेंटल ट्रॉमा से बच सकते हैं? देखिए, डेंटल ट्रॉमा के लिए सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेंटल ट्रॉमा के बारे में और दांतों खेलते कूदते अपने प्रिकॉशंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी हम स्कूल में या मैदान में कहीं भी कुछ हम खेलते हैं तो जैसे हम आमतौर पर टेनिस खेलते वक्त टेनिस गार्ड पहन लिया, कुछ पहन लिया, इसी तरह माउथ गार्ड भी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका डेंटल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बॉडी के अधिक पार्ट हैं। तो जब भी आप खेलें कूदें तो माउथ गार्ड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये पहला है, ये अवेयरनेस हम लोग दे रहे हैं। हमारी एक एसोसिएशन IADT है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि डेंटल ट्रामा में क्या क्या होना चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन से स्पोर्ट्स में डेंटल ट्रामा। डॉक्टर साहब, अभी हम अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि माउथ गार्ड पहन के खिलाड़ियों को खेलने की ज़रूरत है, जो लोग हेलमेट पहन के ड्राइव कर रहे हैं उनको भी प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हेलमेट जो है सर और जबड़े को बचाता है, बट डेंटिशन पे चोट लगने का दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो माउथ गार्ड पहन लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और ये अवेयरनेस अब धीरे धीरे आ रही है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे बात करें कि अगर किसी को डेंटल ट्रॉमा हो गया, मान जाइए वो रोड पर है या खेल के मैदान पर है, वो फर्स्ट एड के तौर पर क्या कर सकता है? अगर ट्रॉमा हो गया तो देखना होता है कि दांत में इंजरीज कैसी हैं, दांत का इनामल फ्रैक्चर किया है, छोटा सा एक पार्ट फ्रैक्चर किया है, या दांत पूरा का पूरा बाहर आ गया है, या दांत का केवल क्राउन पोर्शन फ्रैक्चर किया है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अगर इनामल फ्रैक्चर किया आपके पास वो फ्रैक्चर सेगमेंट्स हैं, तो आजकल रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में इतनी एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो और वो सेगमेंट्स वापस रीअटैच करते हैं। इसको हम बायोलॉजिक रिस्टोरेशंस बोलते हैं, जो कम्प्लीटली एस्थेटिक होती है और एक एक अच्छा चलती है। सेकेंडली, अगर दांत बाहर निकल आया है, एबल्जन हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को ये जानना होता है कि उसकी स्टोरेज करके और कितने घंटे में पहुंचाएं। तो अगर हम फर्स्ट आवर्स में पहुंचा देते हैं डॉक्टर के पास तो वापस वो दांत सॉकेट में डालकर स्प्लिंट कर दांत को बचाया जा सकता है। अगर 2 घंटे या 1 घंटे के बाद लेके जाते हैं दांत को और स्टोरेज मीडियम आपको पता है नहीं कि आप हाथ में उठा के लेके जा रहे हो, धूल का कण लगा पड़ा है उसके अंदर और फिर वो मुंह के अंदर डालते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होने के चांसेस बहुत हैं, फेलियर रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। इसीलिए स्टोरेज मीडिया क्या होना चाहिए, या तो आप अपने मुँह के अंदर रख के लेके तुरंत डॉक्टर के पास मिलें, या मिल्क में लेके जाएँ, या हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन आती है वो, जो इंडिया में नहीं, तो आप मिल्क में ला सकते हो या ओरल कैविटी में रखकर अपने डॉक्टर के पास विद इन एन आवर पहुंच जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कहीं दांत आपका टूट गया, कहीं चोट लग गई खेल के मैदान पर या सड़क दुर्घटना में, तो उस दांत को सहेज कर अपने दंत चिकित्सक के पास ले जाएं, क्योंकि अब ऐसी तकनीक आ गई है कि उसी दांत का उपयोग फिर से आपके शरीर में हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब यहां पर एक सवाल है कि जो लोग काफी दूर दराज में रहते हैं, चूंकि भारत में जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें या क्षेत्र की दृष्टिकोण से देखें बहुत बड़ा देश है, जहां पर डेंटिस्ट नहीं है, वहां पर अगर किसी को दांत में चोट लगती है
तो क्या एक कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि ये गोल्डन पीरियड होता है कि चोट लगने के बाद आप इस टाइम तक डॉक्टर के पास पहुंचे, या फिर वो कितने समय तक, जैसा डॉक्टर बता रहे हैं कि वो दांतों को प्रिजर्व करके रखें, अपने मुंह में रखें, आखिर कितने देर तक रख सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि जो दांत में चोट लगी हुई है और अगर दांत पूरी तरह से निकल गया है, तो सबसे सिंपल तरीका या सबसे आसान तरीका तो यह है कि उस दांत को वापस अपने जो सॉकेट है, जो चोट है ना, उसके अंदर डाल दें। कोई भी दांत होता है उसके दो भाग होते हैं, जो अंदर की तरफ से जड़ होती है जो कि हमें दिखती नहीं है, हड्डी के अंदर होती है, और दूसरा जो दांत का सफ़ेद भाग जो हमको दांत में दिखता है। तो बस सफ़ेद भाग से दांत को पकड़ना है और वापस दांत को अपनी चोट के अंदर डाल लेना है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है तो दांत को बचाने की 90% संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अगर उसके बनिस्पत ऐसा हो जाए, जो कि हम रोज़ देखते हैं कि हमारे पास जब मरीज़ आता है तो दांत जो होता है न्यूज़पेपर में लिपटा हुआ होता है, कभी कॉपी के पेपर में लिपटा हुआ होता है, सूखा होता है, खून लगा हुआ होता है, तो ऐसे में उसको कर पाना कुछ ज़्यादा संभव होता नहीं है हमारे लिए। तो ऐसे में अगर मान लीजिए बस सिंपल सा तरीका है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए कर नहीं पाते हैं, कई बार और चिकित्सक भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है तो उनकी भी अवेयरनेस ज़रूरी है, तो अगर बस वो दांत को पकड़ के अंदर डाल लें तो हो जाएगा। जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है, ये माना जाता है कि जितना जल्दी हो सके दिखाएं, और चोट की गंभीरता पे निर्भर करता है कि उस टाइम का क्या दुष्प्रभाव होना है। अगर मान लीजिए छोटी सी चोट है, ऊपर का केवल हिस्सा चिटका हुआ है, वो अगर आप 10 साल बाद भी दिखाएंगे, हो सकता है कुछ भी ना हो आपको, पर दांत को टूटा रख के कई ज़्यादा और मनोरोग विकसित हो जाते हैं और परेशानियाँ होती हैं, स्माइल करने में प्रॉब्लम्स होती है, जो आपने शुरुआत में बोला। तो इन सबसे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके दिखा लें, और दूर दराज के क्षेत्रों से हमारे पास काफ़ी सारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीज आते हैं जिनमें की चीज़ें काफ़ी डेवलप हो गई होती हैं, तो उनसे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके तो दिखाएं। अच्छा जी, बिल्कुल। और इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी सर। नमस्ते सर, मेरे दूध के दांत दो थे जी, तो एक दांत पहले टूट, बोलिए, तो उसमें जो दूसरा दांत लगवाया था उसकी वजह से ना उसमें जख्म हो गया, साथ वाले दांत में, तो वो अंदर से फट गया। अच्छा, और दूसरे में एक और दूध का दांत टूट गया अभी 2 साल 1 साल पहले, तो ऊपर उसमें जड़ आ रखी है जी, तो जो दूसरा दांत में फट गया था ना, तो खीरा भी लग गया है। अच्छा, तो मैंने वहां पे अभी ऑल इंडिया इसमें क्या नाम है अभी सेमिनार हुआ था, ये उन्होंने कहा था कि आप इसमें ना पहले पर्टिकुलर इस दांत में ना आप कुछ भरवा दीजिए कुछ मसाला वगैरह, क्योंकि कीड़ा लगा है, उसके बाद इसमें दांत वगैरह कुछ और अल्टरनेट वगैरह कुछ लगा लीजिए, लेकिन पहले आप मतलब इसमें जो दांत जो जख्म हो गया ना उसमें फट गया उसकी वजह से, तो कीड़ा वीड़ा लगा, तो पहले उसको भरवा लीजिए। तो मेरे को क्या मतलब सर, इसका एक दो साथ वाले ऊपर वाले दांत में ना मेरे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मरीज की उम्र क्या है। आवाज सुन रहे हैं हमारी? नहीं, फोन कट गया, ऐसा लग रहा था कि वो 30 से 40 एज ग्रुप के हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि इनके दूध के दांतों में समस्या है, इनके बच्चे के दूध के दांतों में समस्या है। अगर कीड़े लगे हैं तो बेहतर है कि उसका जो है प्रॉपर जो है हमारे यहाँ मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में पीडो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पहुँच के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लें। अगर उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जहाँ तक दूसरा हमें इनकी बात समझ में आई कि एक दूध का दांत निकल के दूसरा लगवाया गया है, ये बात थोड़ा अभी समझ नहीं आई कि दूध का दांत निकल गया या परमानेंट निकला, वो हम बच्चे की एज समझ के ही बता पाएंगे कुछ। तो ऐसी स्थिति में जो सवाल इन्होंने किया था, ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देंगे कि शुरुआती तौर पर ही डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह की का कन्फ्यूज़न ना हो? बिल्कुल, आम तौर पे होता ये है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है, 6 महीने के एज पे दांत निकलना शुरू होता है और 2 साल तक दूध के सारे दांत आ जाते हैं, तो सबसे अधिक ज़्यादा जानकारी ये होनी चाहिए कि दूध के दांत भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि परमानेंट होते हैं। आमतौर पे दूध के दांतों को इतना इग्नोर करते हैं लोग कि उसी दूध पिलाते हैं, दांत ब्रश नहीं कराते हैं, ठीक है, रात में सुलाते वक्त भी जो है दूध पिलाते हैं, जिससे दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगने की संभावना हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर होते हैं। बच्चे रो रहे होते हैं तो बॉटल का दूध लगा दिया, बच्चा चुप हो गया, बट उसके साइड इफ़ेक्ट जानने की कोशिश नहीं करते कि दूध के दांतों पे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। जब भी आमतौर पे देखा गया कि 2 साल तक के बच्चों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे दांतों में जो है कीड़े लगने जब शुरू होते हैं, तब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं नहीं, अब हमें इसे बचाना है।
तो हमारे सामने भी समस्या होती है कि जब इनिशियल स्टेज पे इसको ध्यान नहीं दिया, आज पूरा का पूरा जो है दांत स्ट्रक्चर खराब हो गया, तो एक चैलेंजिंग है। लेकिन हम लोग करते हैं, उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और दूध के दांतों को जब तक हम बचा सकते हैं बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से अगर डेंटल ट्रॉमा की तरफ बढ़ें, तो कई बार देखा गया है कि समस्या कुछ और होती है और इलाज में कई बार दूसरी तरीके के ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है। अगर हम बात करें तो अगर क्राउन फ्रैक्चर है तो कई बार देखा गया है कि मरीजों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कर दिया जाता है। क्या है इसका सही? अभी आपको बताया कि जो ट्रॉमेटिक गाइडलाइंस हैं उसमें क्राउन फ्रैक्चर्स को भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डाला गया है। क्राउन में इनामल, डेंटिन और पल्प, अगर पल्प इन्वॉल्व हो जाती है तो ही रूट कैनाल करते हैं। पल्प इन्वॉल्व नहीं होती, केवल इनामल इन्वॉल्व होता है या डेंटिन इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग बहुत सारी कंजर्वेटिव रिस्टोरेटिव टेक्निक्स और मटेरियल्स आते हैं जिससे आप उसको ठीक कर सकते हैं। और आगे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की हैं, रीजनरेटिव स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी को हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं। जैसे मान ले कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया जिसका उम्र 10 या 11 साल है और उसको सेंट्रल इंसाइजर्स में चोट लगी, इनामल, डेंटिन और पल्प मिनिमली इन्वॉल्व हुआ, उसका पल्प भी इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग एलिस क्लास 3 फ्रैक्चर बोलते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग पार्शियल या कोरोनल पल्पोटमी करते हैं और रीजनरेटिव स्ट्रैटेजीज बायोमायमेटिक मटेरियल्स के जरिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और रिस्टोरेटिव मटेरियल्स डालकर। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ फ्रैक्चर एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर, उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग अलग हो जाती हैं। अगर क्राउन नहीं बना पड़ा है, जैसे बच्चों में अमूमन देखते हैं तो क्राउन नहीं बना पड़ा है, 6 साल 7 साल में चोट लग गया, उसका जड़ 10 साल में बनना शुरू होता है, जो रूट फॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जड़ को बनाने के लिए हमारे पास स्टेम सेल्स एडवांसमेंट टेक्निक्स, रीजेनरेटिव टेक्निक्स आ गई हैं। वो रीजेनरेटिव टेक्निक्स वापस दांत, जो नॉन वाइटल डेड हो चुका दांत को, उसको रीजेनरेट हम लोग करने में सक्षम हैं और इससे फिर से डेंटिनोजेनेसिस शुरू होती है, रूट फॉर्मेशन शुरू होता है और बच्चा का दांत फिर से बिल्कुल स्वस्थ बन जाता है। तो तकनीकों का बहुत एडवांसमेंट हो गया है। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक फोन कॉलर हमारे साथ हैं। जी बताएं। आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है कि वो हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर डॉक्टर आपसे जानना चाहें कि कुछ लोग जो हैं जो डेंटल ट्रॉमा के बारे में जानना चाहते हैं, कहां से जानकारी ले, क्या कोई इसकी गाइडलाइंस है या फिर कोई वेबसाइट है, कोई मोबाइल ऐप है, कुछ बताएं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक एसोसिएशन होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल ट्रॉमेटोलॉजी, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है जो कि इस बारे में काम करता है। अब वो इसके रिसर्च करता है इसके बारे में, साथ में फिर ये देखता है कि क्या क्या पद्धतियाँ अपनाई जाएँ इनके इलाज के लिए। भारत में हमारा एक एसोसिएशन है जिसको इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटल ट्रॉमेटोलॉजी बोलते हैं। तो हम लोग का भी मेन प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम एक तो अवेयरनेस बढ़ाएं और साथ में फिर वो चीज़ें जो कि इंटरनेशनली काम हो रही हैं पर भारत में अभी तक लागू नहीं है, हम उनको कराएं। हमने उसके लिए एक सेमिनार भी आयोजित कराया था जो कि काफ़ी अच्छा गया। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक डेंटल टूथ SOS ऐप होता है, एक मोबाइल ऐप है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो उस ऐप को देख के उसमें जो मरीज़ हैं वो अपने लिए भी अपने सिम्टम के हिसाब से, अपनी परेशानी के हिसाब से उसमें अपनी चीज़ें देख सकते हैं जो उनके समस्या है। फिर साथ में जो डॉक्टर हैं वो भी वापस जाके उसमें देख सकते हैं इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, वो भी उसमें है। तो टूथ SOS करके ऐप है जो कि फ्री है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। साथ में फिर ये है कि जो पोस्टर्स हैं हिंदी भाषा में भी हमने एम्स में पोस्टर बनाए हुए हैं उसके लिए, और जो कि इंटरनेशनली भी उसको मतलब वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तो वो करीब 49 भाषाओं में पोस्टर्स हैं, तो उन पोस्टर्स को भी स्कूलों में लगाया जा सकता है जिससे कि इसकी अवेयरनेस बढ़ सके। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए, चूंकि आप मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हैं, वहाँ पे दंत चिकित्सा का बहुत बड़ा विभाग है, तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? एक्चुअली हम लोग अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जगह जगह कैंप लगाते हैं। हमारा डेंटल हेल्थ उत्सव होता है साल में एक हफ्ते का, जहाँ हम डेंटल ट्रामा के अवेयरनेस के बारे में के साथ साथ और भी डेंटल डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में जो भी मरीज आता है, सबसे पहले OPD में हम उनसे जो है मुखातिब होते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, डेंटल ब्रशिंग टेक्निक के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन और अवेयरनेस सभी मरीजों को आना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि भारत में एक ऐसा कल्चर डेवलप होना चाहिए कि शुरू से ही
डेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति लोगों जागरूक रहें और बचपन से ही हर 6 महीने पर या कितने समय में हर व्यक्ति को एक बार अपने दंत चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत होती है? पहले तो क्वेश्चंस को आंसर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन कि हम लोग इन अ ईयर फॉर अ नॉर्मल पर्सन एक साल में हमेशा अपने दंत चिकित्सक से जाके मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि दांत के ऊपर जो प्लाक डिपॉजिट होते हैं वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं जाते, तो प्रोफेशनल क्लीनिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। सेकेंडली, हम लोग स्कूल्स के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें चेंजेस लानी पड़ेगी, क्योंकि डेंटल हेल्थ इज़ अ वे टू कीप योर सिस्मिक हेल्थ, मतलब आपका पूरा शरीर आपके ओरल कैविटी के हेल्थ पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुख्यतः दो बीमारी बहुत पाई जाती हैं, वो एक केरीज, दूसरी पेरोडोंटाइटिस, पायरिया जिसको बोलते हैं। तो ये बीमारी की रोकथाम के लिए हम बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में ही डाल दें कि ओरल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करें, टाइप्स ऑफ ब्रशिंग कैसे, किस तरह का ब्रश होना चाहिए, पेस्ट कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। और पेडियाट्रिक डेंटिस्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बिकॉज ऐसे हम लोग कहते हैं कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, तो उसी तरह से पेडियाट्रिक डेंटिस्ट, बिकॉज ये बीमारी शुरू से ही होती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन दिखती है, तो पाठ्यक्रम में पेडियाट्रिक डेंटिस्ट के रोल्स को भी हम लोग ज़्यादा तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं कि कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरे बचपन में सर कम से कम 15 साल की उम्र में सर दांत में चोट लग गई थी सर जी। तो उसमें सर जो टूट गया था दांत, जो मेरे जो है सर बीच से टूट गए थे आधे आधे। तो बाद में सर मैंने उसको इग्नोर कर दिया सर, काफी टाइम के बाद उसमें दर्द शुरू हो गया, तो मैं डॉक्टर सलाह लिया, तो उन्होंने सर RCT शायद ऐसा कुछ करके बताया था, लेकिन सर मैंने फिर उसका इलाज नहीं कराया। अभी सर वापस से दोबारा दांत में जो है दर्द होना शुरू हो गया सर, और उसके मुझे लग रहा है सर उसके पास वाले जी दांत है वो पीले पड़ गए हैं सर, दोनों पीले हो रहे हैं सर। जी बताएं डॉक्टर साहब। ये यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये कॉलर बिहार से थे, मैं देख सकता था। और प्रॉब्लम ये होती है कि पहली बात तो जैसे 15 साल की उम्र में चोट लगी पहली बार, और उसके बाद से उनको जब दर्द हुआ तब वो पहली बार चिकित्सक के पास गए, तो दर्द होने का मतलब ये हुआ कि दांत में चोट लगने के बाद अंदर के से उसमें जो सड़न आनी थी या फिर जो अंदर की जो नसें थी सड़नी थी वो सब शुरू हो चुकी थी, अंदर हो सकता है मवाद भी बन रहा हो। फिर ऐसे में फिर उन्होंने दोबारा से जब उनको दंत चिकित्सक ने एक सलाह दिया कि एक RCT नाम से इलाज होता है जिसमें कि अंदर से जड़ के अंदर से जो भी मवाद होता है हटाया जाता है और उसको साफ करके उसमें दवाएं भरी जाती हैं, तो वो प्रोसीजर भी उन्होंने कराया नहीं, तो अब क्या है वो दोबारा से दिक्कतें आ रही हैं। तो ये यही है कि इस चीज़ को इग्नोर करते 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 मेरे ख्याल से कम 10-15 साल और उनके बीत चुके होंगे, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि एक्सरे करके अगर हम उनको देखेंगे तो अंदर रसौली या और भी दिक्कतें बढ़ गई होंगी। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही है कि जब 15 साल पहले चोट लगी थी तभी दिखा लेना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो जब RCT बोली गई थी तो करा लेना चाहिए था, और तब भी नहीं हुआ तो अब तो दिखा ही लें, तो अगर अभी भी नहीं दिखाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, अब समय नहीं है, अगर चलते चलते हम बात करें कि ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए या रोज़मर्रा के जीवन में भी हमें किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारे दांत स्वस्थ हों? आमतौर पर देखा गया है कि ठंड के मौसम में लोग जो है दांतों को साफ़ करना, सफाई रखना पसंद नहीं करते हैं ठंड की वजह से, तो हमें सबको सलाह यही देनी है कि दांतों की देखभाल वैसे ही करें जैसे आमतौर पर हमेशा करते हैं, ठंड की वजह से थोड़ी भी सुस्ती ना दिखाएं, सुबह शाम ब्रश करें, गुनगुने पानी से गरारे करें, कुछ भी खाएं अच्छी तरह तो ब्रश से दांतों को साफ कर लें, और माउथवाश का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आप क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? आमतौर पे ठंड में लोग पानी कम पीते हैं, दूसरा सैलिवेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो सैलिवेशन एक नॉर्मल लुब्रिकेटिंग एंड सेल्फ डिफेंसिव प्रॉपर्टी रखता है सलाइवा, तो ज़्यादातर कोशिश करें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया गुनगुना पानी का कुल्ला जो है सुबह और शाम ज़रूर करें, और ब्रशिंग को कभी मिस ना करें, और ताज़ी सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, साइट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स खाएं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, ये सब दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल जो मेरे जहन में है और बहुत सारे लोगों के जहन में भी है कि हम देखते हैं कि कई जगह चौराहे पर एक पोस्टर लगा होता है कि दांत पीले हैं तो इस पाउडर का इस्तेमाल करें और आपके दांत चमचमा जाएंगे, कितना सही है इस तरह के पाउडरों का इस्तेमाल करना?
संक्षेप में? ये संक्षेप में यह है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और सबसे पहले जो भी समस्या है आप क्वालिफाइड डेंटल सर्जन के पास जाएं, वहाँ पे दिखा लें, जो भी समस्या होगी वो उसका निवारण करेंगे, वो आपको उपचार बता देंगे, आपके ऊपर है कि आप उसको कराते नहीं कराते। अच्छा होगा कि उसी को फॉलो करें। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि पाउडर लगा लिया दाँत चमक जाएंगे, उससे दाँतों का नुकसान ज़्यादा होता है, फिर लॉन्ग टर्म में आगे जाके आपको और उसके दिक्कतें सहनी पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि शुरुआत से ही सही उपचार करवाएँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आप लोगों ने बताया वो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप तीनों ने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि जो विशेषज्ञों ने बताया कि दांतों का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और डेंटल ट्रॉमा अगर आपको हो गया है तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आप इन बातों का ध्यान रख के अपने दांतों को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए दांतों, चमचमाते हुए दांतों को बनाए रख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं और आगे, और अब समय है कुछ रिपोर्ट्स देखने का। अब बात करते हैं हम बदलते हुए भारत की। जी हाँ, गौरवशाली परंपरा और समृद्ध संस्कृति वाले इस देश में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव नजर आ रहा है। ये देश न्यू इंडिया की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और न्यू इंडिया के शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यों पर आर बालाशंकर ने एक किताब लिखी है, आइए इस किताब के विमोचन समारोह में चलते हैं और देखते हैं इसके मुख्य अंश। Creative disruptor, the maker of New India, is ample proof of the time and effort the Konark team has spent in bringing out a world-class product. Our editorial team and the designers have gone through each aspect of the book manually. This book is very interesting and very unique in many sense, because so far many books have come on Narendra Modi ji ever since he became a national phenomenon, but they were biographies or a collection of articles. Written with the idea of explaining the Narendra Modi phenomena. But this book is a little different from all that, because this book is not a biography, it is not a collection of articles, it is the product of research work. And more than that, this has attempted to give an answer to all kinds of allegations leveled against Sri Narendra Modi. वैसे तो आज एक मोदी जी के कार्यकाल को बहुत संक्षिप्त में एक पुस्तक के अंदर संजोकर बालाशंकर जी ने रखा है, उसके लोकार्पण का समारोह। इतने बड़े काम को, इतने सारे अचीवमेंट को 17 चैप्टर्स के अंदर रखना एक किसी भी ऑथर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है, मगर मैं बड़े मन से कहना चाहता हूं कि बालाशंकर जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से संक्षिप्त में रखने का सफल प्रयास। आर्थिक स्थिति, भारत का विश्व स्तर पर गौरव, गवर्नेंस के मुद्दों में पारदर्शिता, इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व के मंच पर भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ना, राजनीतिक स्थिति के अंदर गुणात्मक सुधार करना और विदेश नीति को बहुत अच्छे तरीके से कोई बहुत बड़े नीतिगत फैसलों की चर्चा करे बगैर दुनिया के अंदर भारत की विदेश नीति को सफल तरीके से प्रस्तावित करना, ये सारी चीजों को इन्होंने पुस्तक के अंदर सजोने का प्रयास किया है। बालाशंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे विषयों को रखने का प्रयास किया है। मैंने पुस्तक को ध्यान से देखा है, पढ़ा है, इसलिए ऐसा शब्द प्रयोग मैं इसलिए नहीं करता कि लाइन टू लाइन मैंने नहीं पढ़ा है, परंतु ध्यान से देखा है।
काफी चीजें इसमें से छूट गई है। तो मेरा तो बाला शंकर जी को आग्रह है कि पार्ट टू लेकर कभी आइए, तो बहुत सारी चीजें को आप समाप्त कर देंगे। वाकई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसद का स्थान बहुत ऊंचा है। यहां देश भर से चुने हुए जनप्रतिनिधि विचार विमर्श करके देश को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित होते हैं। ऐसे ही सांसदों को सम्मानित किया गया लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स में। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। Service to society is serving the country. Furthermore, it falls incumbent upon the parliamentarians to serve the Indian citizenry. Lokmat Parliamentary Awards reckon such 8 illustrative representatives of the people of India. The poverty of legislators redeems the tenets of Indian democracy. These legislators have lived up to the furtherance of democracy. What is the cardinal insignia of a legislator? As a parliamentarian, every word you utter, every decision you make, every vote you cast resonates deeply within the hearts of your people who have great expectations from you. It is therefore important to reassure them, to reaffirm their confidence in you as well as the parliamentary system. One way of ensuring this is to be guided by a certain degree of national consensus. Our issues over the issues of broader concern and the political debates conducted on these lines. Political parties must award some code of conduct for their members. This is very much needed, and I hope that the political parties will apply their mind, and people also should judge the political parties during elections about their conduct. And I always say, character, caliber, capacity and conduct, that should be the criteria to select and elect a politician or a member. But unfortunately, what is happening, as some people are lacking character, caliber, capacity and conduct, they are taking recourse to other forces. What are those forces? That is caste, community, cash and criminality. It's a reality. Hamare paas best kisan hote hain, best hote hain, best businessmen hote hain. लेकिन तीन एक प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें परफेक्शन होना और समाज पे बहुत असर पड़ता है, टीचर, डॉक्टर और पॉलिटिशियन। और इन तीनों के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ, इनका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए। What goes amiss in the present day parliament? मैं जब से संसद में आया तब से आज तक की लंबी कहानी है। संसद का जो स्वरूप उस समय था उसमें अब काफी बदलाव आ गया है, कार्य प्रणाली में बदलाव आ गया है और कुछ व्यवहार प्रणाली में बदलाव आ गया है और सबसे ज्यादा संवाद और भाषा में बदलाव आ गया है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। संसदीय भाषा और विशेषकर संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति स्थापित हैं उनकी भाषा की गरिमा वो संसद तक की और लोकतंत्र की गरिमा को प्रदर्शित करती है। ये कभी कभी अभाव बहुत खटकता है। However, some remain sacrosanct from the prevailing turpitude in the parliament. इस शाही सदन में जाकर मुझे 52 साल हो गए, लगातार 52 साल ये विधायक सदन में काम करने का मौका ये बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व जनता ने मुझे दिया है। ऐसे ये फैसले
मैं उनको अभिवादन करना चाहता हूँ। मैं इतना ही सोचता हूँ कि जो संसद में जाएंगे या विधानमंडल में जाएंगे, उनका एक फर्ज है कि लोगों की समस्या पर बातचीत करने का एक बहुत बड़ा मौका आपको मिला है, इसका पूरे फूल फायदा लेने की आवश्यकता है। मगर ये फायदा लेते समय सदन का गरिमा रखना, ये भी जिम्मेदारी कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ संसदीय जनतंत्र है, जहाँ खुली प्रेस है, जहाँ स्पष्ट और निर्भीक न्यायपालिका है, और इस देश में पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है। ये चारों तत्व दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे, ये इस देश की ही विशेषता है, और इसके कारण हमारा जनतंत्र और लोकतंत्र ये चिरंजीवी रहेगा, और लोकमत और जनतंत्र ये दोनों बराबर एक दो पहिया की तरह से हैं। एक तरफ लोकमत चलता रहे, दूसरी तरफ से जनतंत्र चलता रहे, और देश में विकास की गाड़ी सबको साथ लेकर आगे चलती रहे। किसी भी स्तर पर मिलने वाला सम्मान खुशी के साथ साथ और बेहतर करने के लिए भी प्रेरित करता है। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और आपको ले चलते हैं एक ऐसे वर्कशॉप में जिसका मकसद था छात्रों और शिक्षकों के बीच के संबंध को बेहतर बनाना। दिल्ली के एक स्कूल में 9 दिनों तक चले इस वर्कशॉप में स्ट्रेस, डिप्रेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मकसद था समाज को बेहतरी की ओर ले जाना। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जेंडर अवेयरनेस बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जान चुके हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा प्रोग्राम इसी वजह से शुरू हुआ। द होल आइडिया वॉज दैट कि वो निर्भय वाले इंसिडेंट के बाद नमिता जी को खुद लगा, और पहले साल हम लोगों ने उसी बस्ती में काम किया जहाँ से वो जिन्होंने निर्भय के साथ इतना गलत काम किया था। सो वी ऑल थिंक कहीं पर जब हम लोग पढ़ते हैं पेपर्स में, हम सोचते हैं किसी और की कहानी है, हम इसमें शामिल नहीं। आजकल जो वातावरण कई बार तनाव युक्त हो जाता है, उसमें बच्चों को भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बच्चे भी प्रेशर में आ जाते हैं, और कई बार यह भी देखा गया है कि बच्चे किसी से अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे टीचर्स हैं NDMC स्कूल में, नवयुग स्कूल में जो टीचर्स हैं, उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वह अच्छी काउंसलिंग स्किल लेकर के वो पूरी तरह से अपना बच्चों की बात सुन पाए और टाइमली एक्शन ले पाए। तो स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी, ये दोनों संस्था ने एक पहल यह की NDMC के नवयुग स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पर जो वर्कशॉप किया गया पिछले 9 दिन, उस वर्कशॉप में एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस अगर घर पे हो रहा है तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हो, उनको उसको कैसे रिएक्ट करना है, तो इस तरह की चीज़ों पे अपना बहुत फोकस किया गया, जिससे कि टीचर्स अपने अंदर जो अपने जो कमी दिखती थी कि नहीं बच्चों से हम बात कैसे करें, तो उसमें कैसे जो है मतलब बच्चों का कॉन्फिडेंस जीता जाए और बच्चे उनसे डरे नहीं, बच्चे खुल करके अपनी बात कह पाए। तो हर टीचर को एक बेफुट काउंसलर कैसे बनाया जाए, पिछले 9 दिन में यही प्रयास रहा है। जैसे ही मैंने खुद को बेटर समझना शुरू किया एज आई ग्रू ओल्डर, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक्चुअली ये सब चीज़ें मेरी सोच तो थी नहीं। आई वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड ऑन माई ओन। मुझे नहीं रुकना था कि जब शादी होगी तो उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगी या वहाँ जाऊँगी, मुझे तो बहुत देश देखने थे, या मुझे कुकिंग से बिल्कुल, मैं कुकिंग के नाम से ही नर्वस हो जाती हूँ। किचन में मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती, ऑफिस में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। ऑन द अदर हैंड जो मेरा कज़न है, वो बेचारा ऑफिस में फंसा हुआ है और उसे वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहता है कि वो घर आके आराम से खाना बना सके और ऐसी चीज़ें कर सके। मुझे लगता है कि जो 9 दिन के सेशन में आपने जो देखा है कि किस तरह से हमें लाइफ को लेना चाहिए, जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, और उसके बाद आप कितना लाइट फील कर रहे हैं, जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयरिंग किया यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हम बाकी जो सारे टीचर्स हैं सबको एक मौका मिले, हम लोग इस तरह से कोशिश करेंगे नमिता मैम के साथ और
अरुण मैम के साथ, सो दैट कि ये आपके लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और टोटल स्कूलिंग के लिए भी और सोसाइटी के एट लार्ज ये फ़ायदेमंद हो सके। जैसा हम सभी जानते हैं आजकल के ज़माने में और इंडिया में बहुत ज़्यादा और दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज़्यादा इतने क्राइम अगेंस्ट वेमेन या पूरा सोशल फैब्रिक चेंज हो गया है, इतना वायलेंस है, रोड रेज इतना है, गुस्सा इतना है और उन सब की उम्र अब बहुत कम होती जा रही है। छोटे से छोटे बच्चे आज की 10 साल के बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस है उसमें। और जहाँ पर ये एक विदेशों में जहाँ पर काउंसलर्स का जो होता है कॉन्सेप्ट जो कि हर जगह बहुत कॉमन है, जैसे कि फिज़िकल आपका डॉक्टर होता है उसी तरह के होते हैं, बट इंडिया में उनकी बहुत कमी है। और क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और एक थोड़ा सा एक उसके बारे में टाबू है कि हम काउंसलर के पास जा रहे हैं तो क्या हमारा दिमाग ख़राब है, उसको छिपा के करते हैं। तो ये जो हमने फोरम या ये जो हमने वर्कशॉप शुरू करी हैं ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और थोड़ी सी स्किलिंग का है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वर्कशॉप कई मायनों में रचनात्मक साबित होते हैं। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। शाम के इस समय में बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ खाने की आदत होती है, हो सकता है आपको भी कुछ खाने का मन कर रहा हो। जनाब, हम आपको कुछ खिलाने तो नहीं जा रहे हैं लेकिन एक ऐसे सेमिनार में लेकर जा रहे हैं जो आधारित था फूड स्टाइलिंग पर, यानी खाना परोसने की कला पर। आइए देखते हैं क्या कुछ खास था इसमें। Here at the campus of IHM Pusa, where a day-long workshop on food styling is being held. Food styling, making our Indian food very attractive and making it a tourism attraction is the challenge that we all are facing. I'm very happy that Indian Culinary Forum has collaborated with this institution. Art of plating, art of food photography and food styling. I think this kind of subject is very, very beneficial for all the students who are participating as well as chefs fraternity. I think it's a rare opportunity for fellow chefs to attend such kind of workshops, and I'm sure each participant would benefit out of this. And we've invited a food stylist from Bombay, Saba Ghaziani. She's highly experienced and knows her subject very well. The food has to be cooked and its flavors have to be brought up. But my personal view is it has to be presented also. It needs to be presented, you know, beautifully. So it should look so attractive that you eat with your eyes. When you look at a food, you know, look at something, when you eat with your eyes, and then you start getting the flavor, then the taste, then the aroma, all that comes in. And then goes for digestion. I conceptualize the shots because I know food. I know how cheese will react. I know the process of making a pizza. I also sit with their R&D people and their food technologists and decide कि ये what is their SOP standard operating procedure for any product, be it a burger or a pizza or samosa or whatever. I mean, I don't know, doesn't matter. And then you decide कि वो process के अंदर what will be an action which can be made to look good when you want to do it for your guests. Then you do it at a 45 degree angle कि वो plate जब उसके सामने table पे बैठा होगा and when it comes as a dish, it shouldn't look good like this. It has to look good like this, at this angle. That's how you'll plate.
So it looks inviting, and hence it sells better. It creates its mark. It's well presented, well served, and hence well consumed. That is what a basic difference between food styling and food plating is. I feel it's benefiting me because, as we all know, if the food is does not look beautiful, you do not feel like eating it. And especially food styling as a way of advertisement, and we can relate it with the food plating that we do every day in the daily operations of our hotel. Other than that, food styling is definitely a new horizon, which I've learned so much about today, and I would definitely like to explore it in the future. I also feel that the special thing about Ms. Saba is that everything that she does is so organic. They don't use thermocol pieces or cardboard boxes, and I think that is what really adds to the authenticity of not just the dish, but also the photos that they take. This workshop has helped me improve my skill and learn a lot in a lot of different ways. I'm practicing the art of food styling as well as food plating, about how to make food look beautiful on a plate, how to present it so as to make it more eye appealing. The main job of a chef is to make sure that a guest eats food before from his eyes rather than tasting it. So this workshop has been really beneficial for me, and I hope that I'm able to do great in the future. चलिए उम्मीद करते हैं कि जब आप अगली बार किसी को खाना परोसे तो एक नए अंदाज में पेश करें। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। स्कूल में बिताए गए दिन हम सब के लिए यादगार लम्हे की तरह होते हैं। स्कूल में हमारे ढेर सारे दोस्त होते हैं जो समय के बदलते दौर के साथ अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। सोशल मीडिया के सहारे हम उनसे कुछ से तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, छात्र होते हैं, जिनसे हम मिल नहीं पाते। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए डीएवी स्कूल ने पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी विनय के पास। क्या कुछ खास रहा इस एलुमनाई मीट में? बीते दिनों दिल्ली के IGNCA में देश की सबसे बड़ी और 130 साल पुरानी संस्था ने इतिहास के सबसे बड़े उत्सव का आयोजन किया। इस मेगा इवेंट में देश और दुनिया भर में कार्यरत एलुमनाइज को जोड़ने का प्रयास किया गया। DAV यूनाइटेड फेस्टिवल 2018 में तकरीबन 36 लाख बच्चे, स्टूडेंट्स और टीचर्स उपस्थित रहे। इसमें हमारे जो आज के बच्चे हैं और जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या कॉलेज छोड़ दिया है और वो अपने प्रोफेशंस में हैं और वो भी इसके साथ जुड़ गए हैं, और इतना बड़ा परिवार है कि ये आज जब हमने ये पहली बार ऐसा फंक्शन किया है, हमें पता चला कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जो हमारे सीनियर बच्चे हैं वो हमारे छोटे बच्चे जो स्कूलों में हैं उनके मेंटोर बन गए हैं। ये भी संस्थान, ये 1886 में इसकी स्थापना हुई थी, आज़ादी का 61 वर्ष पूर्व, और उस समय से ये निरंतर शिक्षा जगत में बहुत ऊंचे स्तर पर काम करते हुए आज बहुत आगे बढ़ा है। महात्मा हंसराज जी ने और कुछ साथियों और सामाजिक साथियों के साथ लेकर इसकी स्थापना की थी। जो निर्माता होता है बच्चों को निर्माण करने का, इस तरह यह जो डेवी पब्लिक स्कूल निरंतर आगे बढ़ते हुए और एक ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, जिसके प्रति शुभकामना है। आशा करता हूं कि और ये आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन के साथ साथ राष्ट्रीय भावना, आध्यात्मिक भावना के साथ यह शिक्षा जगत में काम करता रहे। डीएवी सिर्फ एक एजुकेशनल ग्रुप नहीं है, ये कोई कमर्शियल बॉडी नहीं है, ये एक फिलान्थ्रोपिक बॉडी है। एक स्वयंसेवी भाव से समाज में जो मूल विचार रहा है आर्य समाज की, उसकी आधार पे शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, रोजगार देने वाली शिक्षा हो, स्वरोजगार देने वाली शिक्षा हो। मैं इस कार्यक्रम पे आने के कारण मेरे मन में बहुत संतुष्टि है। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ DAV की एलुमनाई अपनी ज़िंदगी में सफल होने के अलावा DAV के मूल विचारों को भी आगे ले जाएंगे। मेरे को अनेक अनेक भरोसा है और शुभेच्छा।
इसमें हम एक यूनिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूनिटी बिटवीन आवर अलुमनाई, बिटवीन आवर करंट स्टूडेंट्स, बिटवीन आवर टीचर्स, बिटवीन आवर प्रिंसिपल्स, रीजनल ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स एंड द मैनेजिंग कमेटीज। तो ये एक ऐसी यूनिटी जो कि 23 स्टेटों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देगी, और ये 23 स्टेट जो हैं ये हिंदुस्तान ही पूरा बन जाता है, तो पूरे भारत की यूनिटी इज डीएवी इज यूनिटी एंड दैट इज व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। हमने डीएवी जो अलुमनाई है उनसे सिर्फ उनका समय मांगा कि वो आकर बताएं हमारे बच्चों को कि वो अगला जो भी वीआईपी आज वो बना हुआ है लुमनाई वो कैसे अगला बन सकता है, जैसे कपिल देव हैं, बताएं हमारे बच्चों को कि अगला कपिल देव कैसे बनना है। ऐसे ही हमारे रिचर्ड रेकी थे जो केपीएमजी के चीफ थे, वो बताएं कि जी मेरा बच्चा अगला रिचर्ड रेकी कैसा बन सकता है। उस चीज़ के लिए हम लुमनाई की एसोसिएशन मांगते हैं, हम चाहते हैं कि लुमनाई मिलकर मेरे बच्चों को मोटिवेट करे ताकि मेरा भारत जो है उसका भविष्य उज्ज्वल होता चला जाए। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य डीएवी परिवार को और मजबूती देना तो था ही, साथ ही इस शिक्षण संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। इस कार्यक्रम के जरिए आने वाली पीढ़ी को एलुमनाइयों के साथ मिलने का और उनसे रूबरू होने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा बेहतर करने की ओर आगे कदम बढ़ाते रहें। इसी उम्मीद के साथ गुड इवनिंग इंडिया की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।